हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो डिजिटली अरेस्ट करना किसी को वीडियो कॉलिंग के थ्रू अरेस्ट कर लेना, ठीक है, कि वीडियो कॉलिंग चल रही है और कहते हैं उसको कि उसके आधार कार्ड की डिटेल, उसकी फोन की लोकेशन, उसकी आईपी, एवरीथिंग उनके पास है। और रीजन क्या होता है डिजिटली अरेस्ट करने का? कि आपने डिजिटली कोई क्राइम में आप इन्वॉल्व हो, लाइक ऑनलाइन फ्रॉड में आप इन्वॉल्व हो, पोर्नोग्राफी में आप इन्वॉल्व हो या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, तो ये डिजिटल अरेस्ट है। बट आज के टाइम पे डिजिटल अरेस्ट के कुछ स्कैम चल रहे हैं, सबसे बड़े स्कैम ये चल रहे हैं। आज इसमें करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं एक तरह से, कि अभी रिसेंटली भी 18-17 साल के बच्चे भी इसमें फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, फिर उन्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं पहले आपको बताती हूँ। देखो, डिजिटल अरेस्ट का स्कैम, ये जो लेटर आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि क्या नाम है, ये लेटर आया है ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर सेलविंग से आया है, जिसमें क्या है कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पीडोफीलिया, साइबर पोर्नोग्राफी, सेक्सुअली एक्सप्लोइट, ग्रूमिंग, इन सारी चीजों के लिए आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। देन आपके पास वीडियो कॉल आ जाएगी, इसके साथ साथ वीडियो कॉलिंग के साथ आपको कहा जाएगा कि आपके क्या नाम है, इस चीज को ये कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, आप 6 लाख रुपए दे दीजिए, आप 5 लाख रुपए दे दीजिए, आप 10 लाख रुपए दे दीजिए। तो आपसे कह रहा मैं उतने पैसे आपसे लूट लिए जाएंगे, और उसको आप उसके बाद ही आपकी वीडियो कॉल नहीं कटेगी, उसके बाद वो और डिमांड करेंगे। तो ये आपके डिजिटल अरेस्ट है। ये जो लेटर है आपको किसी भी फॉर्म में रिसीव हो सकता है, ये लेटर आपको मेलिंग के थ्रू आ जाएगा, मेल नहीं आएगा तो आपके पास नॉर्मल लेटर आ जाएगा, जिससे क्या है आप घबरा जाओगे, क्योंकि देखो इसमें बिल्कुल ओरिजिनलिटी दिख रही है, वाटरमार्क भी है, इसमें स्टैम्प्स भी है, हर हर जगह के स्टैम्प देखो, पर्टिकुलर सिग्नेचर है बड़ी बड़ी हायर अथॉरिटी की। तो ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम चल रहा है कि आपको डरा के कि आपकी जो पर्सनल आपके ऊपर नजर रखी जा रही है, आप ड्रग्स में इन्वॉल्व हो, आप इस काम में इन्वॉल्व हो, आप हो या ना हो डजंट मैटर। जैसे ये 4-5 पॉइंट नॉर्मली इन्वॉल्वमेंट किसी भी इन 4-5 पॉइंट में आ सकती है, और गलती से भी किसी से कुछ क्लिक हो जाए तो उसके बेसिस पे भी आ सकती है। तो डिजिटल अरेस्ट स्कैम हमारा ही है। अब डिजिटली अरेस्ट स्कैम जो कि इम्पर्सोनेटिंग कर रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी बन के आपके पास कॉल आएगी, कोई भी हायर अथॉरिटी जैसे सीबीआई हो गई या कहीं का डायरेक्टर हो गया या आपकी लॉ एजेंसीज हो गई, वो आपको इंडिविजुअल को कॉल करेगी और कहेगी आपको अरेस्ट किया गया, आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है, क्योंकि आप वेरियस टैक्टिक्स में लाइक आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो। तो स्कैमर क्या करेगा, आपको कॉल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फेक वेबसाइट के थ्रू आपके अंदर फियर थ्रेट भर देगा, जिससे आप क्या है उसको पैसा दे दोगे, पैसा भेज दोगे, ठीक है। स्कैमर कैसे ऑपरेशन करते हैं, वो क्लेम करते हैं विक्टिम हैज वायलेटेड द लॉ, विक्टिम जो है उसने लॉ को वायलेट कर दिया है, जिससे उसके ऊपर फाइन टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, इलीगल एक्टिविटी है तो उसको जेल भी हो सकती है, तो उससे डिमांडिंग की जाएगी, है ना, उससे डिमांडिंग, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको बताई जाएगी, अवॉइड अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए उससे क्या है एक्सप्लॉइटेशन करी जाएगी, पैसे उससे लिए जाएंगे डरा के। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी होती है, ठीक है, मोडस ऑपरेंडी ये यही फॉलो करते हैं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे। एक आपने वो भी देखा हो कि आपके पास कॉल आते हैं, कॉल आने के बाद क्या कहते हैं, आपका बेटा बेटी इस इलीगल एक्टिविटी में थे, आपको अगर ये छुड़वाना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, तो आप इतने पैसे दे दीजिए हम कर लेंगे, तो वो भी एक हमारा स्कैम है। तो इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, ये ऑपरेटिंग रिमोटली होती है, डिजिटली अरेस्ट स्कैम जो कि ये टेक्नोलॉजी बन चुकी है जो मैनिपुलेट कर रही है विक्टिम को। स्कैमर क्या कर रहा है, स्पूफिंग कर रहा है, टेक्निक मिमिक कर रहा है, फोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, एड्रेस, इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह, फ्रॉडलेंट, मतलब पूरा कम्युनिकेशन ही फ्रॉड होता है, और आपसे बहुत पैसे इसमें बहुत ज्यादा, मतलब एक तरह से जितने भी हमारे फिशिंग वगैरह ये सब है ये बहुत पुराने हो चुके हैं। आज के टाइम पे डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी चल रहा है जो डरा के, आपको पता है डरा के इंसान को हम कुछ भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। अब कॉमन टेक्टिक कौन सी यूज करते हैं, ये इम्पर्सनेशन, जो स्कैमर होता है इम्पर्सनेट करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इम्प्लॉय वगैरह बन के या जुडिशियल ऑफिसर बनता है या गवर्नमेंट एंटिटी, जो कि यूज कर रहा है फेक बैजेस, जो स्टैम्प वगैरह है ऑफिशियली साउंड साउंड कर रहा है, उसका जो टाइटल है फैब्रिकेट कर रहा है, जो लीगली वो कोई भी विक्टिम को चीजें बता रहा है, तो वो पूरा पूरा फेक जो करता है बन के दिखाता है, फिर वो थ्रेट देगा। स्कैमर यूज फियर टैक्टिक, थ्रेट करेगा, सबसे ज्यादा फियर पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है, फिर वो आपको अरेस्ट करेगा, डिपोर्टेशन, लीगल कंसिक्वेंसेस, वो प्रेशर करेगा आपको इंडिविजुअल को कि आप इमीडिएट पेमेंट करो और डिस्क्लोज करो सेंसिटिव पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन,
एक्सप्लॉइट करेगा आपको, इमोशनली आपको परेशान करेगा, क्या आपको वीडियो कॉल के थ्रू क्या करना, एक तरह से आपसे सारी इंफॉर्मेशन आपकी ले ली जाएगी, आपसे पैसे भी ले लिए जाएंगे, आपको परेशान भी किया जाएगा, डराया भी जाएगा। इवन बहुत ऐसे इसके ऊपर स्टेप भी आए हुए कि लोग क्या है सुसाइड वगैरह भी करते हैं। स्पूफिंग एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट, ये एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं स्कैमर, मैनिपुलेट कर रहे हैं कॉलर के आईडी, क्रिएट कर रहे हैं फेक वेबसाइट, अपने एक फेक वेबसाइट बना देंगे, आप वहां पे जाके देख लो, प्लेटफॉर्म बना देंगे, फॉल्स डॉक्यूमेंट यूज कर लेंगे, विक्टिम को पता जितना भी फ्रॉडुलेंट चीजें हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इम्पैक्ट क्या है, ये इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल पता है इमोशनली विक्टिम को इमोशनली परेशान कर, एंजाइटी उसको फियर उसके अंदर क्रिएट करना, थ्रेट करना डिजिटली अरेस्ट के थ्रू, उसको इमोशनली जितना ट्रॉमेटिक आप कर सकते हो उतना आप कर दे, जिससे क्या है साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। फाइनेंशियल लॉस, इंडिविजुअल सफर कर सकता है फाइनेंशियल लॉसेस के, स्कैमर क्या करेगा उससे पैसे ले लेगा एक बार दो बार, रिपीटेशन मोड में बहुत सारे इस पे बहुत केसेस हमारे रिसेंटली आ रहे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर क्या है विक्टिम अननोइंगली डिस्क्लोज करेगा सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जो एक्सपोज देमसेल्फ, आइडेंटिटी थेफ्ट, फ्रॉड एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये आपकी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारी डिटेल भी आपसे आपके ले लेगा। तो इसके लिए टिप क्या है, नॉर्मली है अपना एक्सरसाइज करनी है, जो आपकी पेमेंट वगैरह है क्वेश्चन इसमें पेमेंट अगर आ रही है तो मतलब इसमें आप सबसे पहले यही कर सकते हो कि अगर आपके पास कॉल आई है तो वो आपको काटने नहीं दे रहा आपको कि डिजिटली अरेस्ट कर रहा, तो भी आप उसको कट करके या कुछ भी करके आप उस एजेंसी में इंटरनेट से या कहीं से नंबर निकाल के उसमें कॉल करके पूछो, नहीं हो पा रहा तो आप पुलिस वाले को इन्फॉर्म करो, बट इन्फॉर्म समवन, नहीं तो आपके साथ मतलब इतना बड़ा स्कैम हो जाएगा। वेरीफाई कॉलर आईडी, पेमेंट वगैरह, ये आप ये सारे सिस्टम देखोगे, ये भी एक तरह का डिजिटल फ्रॉड है। इसमें भी आपको क्या नाम है नॉर्मल इंटरपोल से इसका ये मेल आया हुआ है कि इंटरपोल ने आपके ऊपर ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे आपके क्या नाम है आपके ऊपर निगरानी रखी हुई थी, आप इस एक्टिविटी में वो इंटर्स थे। आपके स्टडी बहुत सारी है इसमें, लास्ट में हम इसको देखेंगे। रिपोर्टिंग एंड सीकिंग हेल्प, रिपोर्ट करना अथॉरिटी को, आपको सपोर्ट वगैरह गाइडेंस वगैरह चाहिए तो सपोर्ट गाइडेंस आपको मिलती रहेंगी, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल चीजें हो जाती है। अब ये भी एक तरह का हमारे पास लेटर है, अब इसमें कुछ रिसेंटली क्या नाम है स्टेप लिए गए जो हमारी एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसने वार्निंग इशू करी है, जो कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसमें साइबर क्रिमिनल हो गए वो गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के एक्सट्रोट कर रहे हैं मनी फ्रॉम अनसस्पेक्टिंग विक्टिम। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर I4C, अब ये क्या है साइबर क्राइम .gov.in, आप इस पे जाके कंप्लेन करते हो या 1930 आप इस पे कंप्लेन करते हो, इसी का दूसरा नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये कोलैबोरेशन किसके साथ है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, जो एक्टिवली कंबैट कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन इकोनॉमिक क्राइम, जो ऑनलाइन पैसे के रिगार्डिंग हमारे क्राइम होते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट आपको पता है हाउस अरेस्ट कर लेना, जिसमें साइबर क्रिमिनल ट्रैप कर दे विक्टिम को उसके होम में ही उसके घर में ही उसको अरेस्ट कर लेते हैं, जिसमें ऑडियो कॉल वीडियो कॉल के थ्रू वो एज अ लियो इन्फोर्समेंट एजेंसी बन के जो AI जनरेटेड वॉइस यूज करते हैं और वीडियो कॉलिंग यूज करते हैं कि जिससे आपको लगे हाँ वही पर्सन है, ठीक है, इन चीजों से बच के रहना है आप लोगों को। अब ये फॉल्सली आपको एक्यूज विक्टिम जो होंगे रॉन्ग डूइंग रिलेटेड टू देयर आधार और फोन नंबर, स्पार्किंग सेंस ऑफ इमिनेंट अरेस्ट एंड फोर्सिंग देम टू ट्रांसफर मनी, आपको ट्रांसफर मनी करने के लिए फोर्स करेंगे, साइबर क्रिमिनल कॉन्टेक्ट करेंगे पोटेंशियल विक्टिम क्लेमिंग दे हैव सेंट और आर रिसिप्ट ऑफ पार्सल कंटेनिंग इलीगल सब्सटेंस लाइक ड्रग और काउंटरफीटिंग पासपोर्ट। तो मतलब एक तरह से ही आपको एक तो ऐसे मेल के थ्रू कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कॉल करके कहेंगे आपके नाम से पार्सल है जिसमें ड्रग्स मिले हैं या आपके पास काउंटरफीटिंग पासपोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें बताएंगे। ऑल्सो फॉल्सली इन्फॉर्म द टारगेट रिलेटिव, आपके रिलेटिव और फ्रेंड को आपको कॉल कर देंगे कि आप किसी इन्वॉल्व हो किसी क्राइम में, एक्सीडेंटल आप वहां पे फंसे हो, तो आपके लिए अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो नॉर्मली आपका डिजिटल अरेस्ट होता है। क्रिमिनल प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ लो इन्फॉर्मर, ये चीज ये गवर्नमेंट ऑफिशियल बनते हैं और डिमांड करेंगे हाई डिमांड मनी करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा विक्टिम वो एक्सचेंज कर लेगा, ज्यादातर केसेस में क्या है वो पैसे वगैरह दे देते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और जितने भी डिमांड वगैरह होते हैं वो उसकी मेथड को कंप्लीट कर देते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है, साइबर क्रिमिनल इंपर्सनेट कर रहे हैं स्कैमर पोजेस अ पर्सन फॉर्म ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो CBI हो गया, नारकोटिक डिपार्टमेंट हो गया, RBI या ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बन के कॉल करते हैं, इंटीमेट इनके टैक्टिक यही होते हैं कि आप इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जिससे क्या नाम है आपको फेक पासपोर्ट या ड्रग इलीगली या मनी लॉन्ड्रिंग,
या पोर्नोग्राफी, ये सारी सारी चीजें आपके इसके अंदर आएंगी। ये क्लेम करेंगे और कि आपके लव्ड वन इसकी क्रिमिनल एक्टिविटी में है, आपके फैमिली के किसी की इंफॉर्मेशन लेके उसको भी आई है, क्या नाम है, ऐसे ही कहेंगे कि हाँ इसने ये एक्सीडेंटली ये फंस चुका है इसमें, आप क्या नाम है इसके, अगर आपको छुड़वाना तो आप इसके इतने पैसे दीजिए, आप इसके लिए इतना ये दीजिए, तो ऐसे ही करते हैं। डिजिटल कन्फाइनमेंट, सम विक्टिम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव टू डिजिटल अरेस्ट वेयर दे आर फोर्स्ड टू स्टे ऑन वीडियो कॉल विद द स्कैमर अंटिल देयर डिमांड आर मेट। वो वीडियो कॉल पे भी रखेंगे डिजिटल कन्फाइनमेंट और डिमांड फॉर मनी, एक्सटोर्ट करेंगे मनी इन एक्सचेंज फॉर एग्रीइंग नॉट टू एक्सपोज द फॉल्स लीगल केसेस दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। जो कंस्ट्रक्टेड आपके फॉल्स इलीगल लीगल केसेस है उसको आपके आपको बचाएंगे कि हम वो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग कैसे ये स्कैम रोकने के लिए कैसे काम कर रही है, जो हमारा साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन है उसी के ऊपर आपको कंप्लेन करनी होती है, 1930 पे आपको कंप्लेन करनी होती है, जिसका अब नाम आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बन गया, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है, जो कि इंस्ट्रक्ट करता है स्पूफ कॉल वगैरह ओरिजिनेट हो रही है ओवरसीज जितने भी है जो कि फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं आपके लो एजेंसी इन्फोर्समेंट एजेंसी के पर्सन बन के, उसके लिए आपके लिए अवेयरनेस वगैरह प्रोवाइड करता है। इनकी अवेयरनेस आपको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कि इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ज्यादा साइबर क्राइम के लिए आपको बचाते हैं। अब आपका कैसे अवॉइड करोगे, तो अगर आपने रिसीव करी है कॉल या मैसेज तो आप अथॉरिटी को कॉल करोगे, बात करोगे। इवन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चक्षु, चक्षु पोर्टल क्या है, ये इन द संचार संहिता साथी वेबसाइट टू प्रिवेंट साइबर एंड ऑनलाइन फ्रॉम। चक्षु पे आप पोर्टल पे जा सकते हो, पीपल कैन ऑल्सो रिपोर्ट, ये आपको www.cybercrime.gov.com पे या 1930 पे आप कंप्लेन कर सकते हो, कॉल करके आप बता सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है। आप इसके लिए क्या क्या स्टेप टेकन का लिए गए हैं दिस स्कैम के लिए, तो ब्लॉक करते हैं फ्रॉडलेंट अकाउंट को, जो आईफोर्सी है ये ब्लॉक कर देगा, वो इसने हजार स्काइप के अकाउंट को जो कि ब्लैकमेलिंग एक्सटोर्शन कर रहा है उसको ब्लॉक कर लिया है। इवन आईफोर्सी आल्सो फैसिलिटेटिंग द ब्लॉकिंग ऑफ सिम कार्ड, मोबाइल डिवाइस, म्यूल अकाउंट यूज बाय द फ्रॉडलेंट, वो सब कुछ ब्लॉक कर देता है। क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट जो MHA है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, ये स्कीम जो हो रही है ऑपरेट किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर क्राइम सिंडिकेट से, जो कि सिंडिकेट आपको पता है जो कि बाहर से बैठ के पूरा पूरा वो संभाल रहे हैं, तो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन इकोनॉमिक क्राइम नेटवर्क है ये, उसको भी ये स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। इवन ये अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं साइबर दोस्त के थ्रू, जो कि एक प्लेटफॉर्म है हमारा cybercrime.gov पे आपको देखने को मिल जाता है। अगर कोई रिसीव कर रहा है कॉल तो वो इमीडिएट रिपोर्ट कर देता है कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, जो कि हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, और इससे जिसे उसको असिस्टेंस वगैरह मिल जाती है। अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर जो है आईफोरसी, ये इनिशिएट किया गया है MHA के थ्रू, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो कि साइबर क्राइम जो कंट्री के अंदर हो रहे हैं बाहर से हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग डील करता है। अब आईफोरसी क्या होता है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटिव सेंटर, ये हमारा MHA के थ्रू है, न्यू दिल्ली में है, जो कि हमारा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है इकोसिस्टम, लो एनफोर्समेंट एजेंसी होती है डील कर रही है साइबर क्राइम से, ये कोऑर्डिनेट करता है इसमें। इवन आपको पता है जो हमारा डिजिटल अरेस्ट है ये आपका बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रहा है, जैसे आपके हो गए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, इनके साथ भी यही क्राइम हो रहा है, उनके पास भी कॉल जा रही है। इवन आपके लॉयर्स हो गए, लॉयर हो गए क्योंकि उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती, जजेस हो गए, अब वो लोग बताएंगे थोड़ा ना, तो ये हर तरह के लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं। इसके बाद आईफोरसी इज अ एनविजेज टू एक्ट एज द नोडल पॉइंट टू कर्व साइबर क्राइम इन द कंट्री, ये अमेंड कर रहा है साइबर लो को, जो कि रैपिडली इन्वॉल्व कर रहा है टेक्नोलॉजी, अच्छे से टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज है माल्ट, ये अदर कंट्रीज के साथ साइबर क्राइम को कंसल्ट कर रहे हैं रिलेटिव अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। MLAT क्या है, ये बायलेटरल एग्रीमेंट है टू और मोर कंट्रीज में, जो कि एक्सचेंज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन एविडेंस जो भी साइबर क्रिमिनल होते हैं पब्लिक लो के रिगार्ड, ठीक है। अब देखो आई जो IC4 है अपना cybercrime.gov, आपको ये ऐसे पोर्टल आपको ओपन होकर दिख जाएगा जहां पे आपको ये वीडियो अवेयरनेस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन आप क्या है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, जो कि ये नोडल पॉइंट साइबर क्राइम से आपको बचाने में हेल्प करता है, स्ट्रेंथन लेके आ रहा है फाइट कैसे करोगे आप, इवन फैसिलेट कर रहा है, जैसे आप साइबर क्राइम रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है वो आप इजिली यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो, 1930 पे आप अपनी असिस्टेंट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन ले सकते हो। इस पे क्या है, विद इन
आप जैसे ही आप इस पे कंप्लेन करोगे, कंप्लेन करने के बाद क्या होगा, ये आपके नियरेस्ट जो आपका एरिया आप डालोगे, नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें क्या है, आपकी रिपोर्ट को सेंड कर देता है और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। इवन क्या, आपके कोई पैसे आपने भेज दिए तो वो पैसे भी अगर आगे नहीं होंगे तो उसको वहां से ब्लॉक कर देता है। ये डिजिटली हमारा वर्क करता है। तो I4C क्या करता है हमारा, ये देखो NCRP जो कि हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इसका नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट है, इसमें नेशनल क्राइम साइबर फॉरेंसिक लैबोरेटरी है, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर है, नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर है, ज्वाइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम है, नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट है इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपको अवेयरनेस भी दिख जाएगी और रिपोर्ट कैसे करना है, रिपोर्ट के रिगार्डिंग में आपको चीजें इसमें पता चल जाएगी। अब अगर आप रिपोर्ट करोगे तो वहां पे आपको ह्यूमन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम है तो उसके लिए आप रिपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम है तो उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं, या अदर साइबर फ्रॉड है आप उस पर जा। जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है, रिफर टू, अब हम इसको थोड़े से चार्ट के थ्रू देखेंगे, रिफर टू एनी टेक्नोलॉजी मेजर और प्रैक्टिस फॉर प्रिवेंटिंग साइबर अटैक और मिटिगेशन देयर इंपैक्ट। ठीक है, जितने भी साइबर अटैक वगैरह होते हैं उससे बचाएंगे। अब साइबर सिक्योरिटी अटैक क्या होते हैं, फिशिंग अटैक हो गया हमारा, मैन इन द मिडल अटैक हो गया, डोस अटैक हो गए, डीडोस अटैक हो गए, पासवर्ड अटैक हो गए, ठीक है ना, ये हमारे बहुत सारे वायरसेस हो गए, मॉलवेयर हो गए, स्पाईवेयर हो गए, उसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गई, तो ये हमारा नॉर्मल है। आपको पता है इसके लिए आप 1930 आपके पास नंबर है उस पर आप कंप्लेन कर सकते हो, जो मैंने साइट आपको बताई वो। कॉमन साइबर सिक्योरिटी मिथ क्या है हमारे, जो कि मिथ कहते हैं स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, अलोन आर एडुकेट प्रोटेक्शन, ये लोगों की मिथ है। ठीक है, मेजर साइबर सिक्योरिटी रिस्क आर वेल नोन, मेजरली जो होते हैं वो वेल नोन है, सबको पता है। साइबर अटैक वैक्टर आर कंटेन, ये एक वैक्टर कंटेन रखता है, उसके साथ साइबर क्रिमिनल डोंट अटैक स्मॉल बिजनेस, ये लोगों की मिथ है, किसी को भी ये कर सकता है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही ये चीज नहीं करता। साइबर वेलफेयर क्या है, डिजिटल अटैक डिस्टर्ब वाइटल कंप्यूटर सिस्टम टू इन्फ्लिक्ट डैमेज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। साइबर वेलफेयर वॉरफेयर में यही है कि आप मर भी सकते हो, डिस्ट्रक्शन भी, आपकी लाइफ को, माल को, डैमेज, आपकी मनी सिक्योरिटी सब चल जाता है। अब जो जो मिथ है, प्रोटेक्शन के साथ साथ आपके वेरिफिकेशन, टू वेरिफिकेशन, आपके टू स्टेप वेरिफिकेशन है उसको भी इन्वॉल्व करवाओ, आपके जो मेजर साइबर सिक्योरिटी रिस्क है आपको पता होने चाहिए, इवन आपके जो वेक्टर्स वगैरह, आप किसी भी लिंक पे क्लिक ना करो, और ये छोटे बिजनेस हो बड़े बिजनेस हो सबको ये वो करता है। अब साइबर थ्रेट एक्शन क्या होते हैं, हमारे जो एक्टर होते हैं वो नेशन स्टेट होते हैं, साइबर क्रिमिनल, हैक्टिविटीज, टेररिस्ट ग्रुप जो हमारे होते हैं, थ्रिल सीकर, इनसाइडर थ्रेटर, तो ये जो हमारे नेशनल नेशनल स्टेट वाले होते हैं वो जियो पोलिटिकली, और जो हमारे साइबर क्रिमिनल होते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, हैक्टिविटीज आपके आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए करते हैं, टेररिस्ट जो ग्रुप होता है वो आइडियोलॉजिकल जो वायलेंस करनी होती है उसके लिए, थ्रिल सीकर जो होते हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, इनसाइड थ्रेट वही डिस कंटेंट वगैरह होते हैं उसके लिए। अभी इसके कुछ टाइप है, जो कि क्रिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी होते हैं, रोबस्ट कर रही है हमारी कंट्रोल वगैरह, नेटवर्क सिक्योरिटी होगी, डिप्लॉय कर रही है फायरवॉल वगैरह, आपकी जितने फायरवॉल कंप्यूटर वगैरह में होते हैं, फोन में होते हैं, एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो कि कोड रिव्यूज कर रही है, क्लाउड सिक्योरिटी, टोकनाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डाटा मास्किंग। रिसेंटली मेजर साइबर अटैक क्या है, जो वाना क्राइम रैंसमवेयर अटैक 2017 में हुआ था, है ना, और दूसरा हमारा कैम्ब्रिज एनालिटिक डाटा ब्रेक 2018 में है, फाइनेंशियल डाटा 9M जो कार्ड होल्डर होते हैं, SBI लीक हुआ था 2022 में, ये हमारे कुछ रिसेंटली मेजर साइबर अटैक है। रेगुलेशन क्या है, इंटरनेशनल जो हमारी यूनाइटेड नेशन ग्रुप है, गवर्नमेंट एक्सपर्ट वो एडवांसिंग कर रही है, जो रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर इन साइबर स्पेस में जो होता है, नाटो अच्छे से वर्क कर रही है, उसके साथ साथ और भी अदर एजेंसी होती है। इंडिया में IT एक्ट जो 2000 का, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 की, साइबर सुरक्षा भारत इनिशिएटिव, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर, जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, ये स्टेप आपको क्या क्या लेने हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी जो फायरवॉल वगैरह, आप मालवेयर प्रोटेक्शन आपके पास होना चाहिए, इंसिडेंट जो आपके पास होता है वो भी होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन अवेयरनेस होनी चाहिए, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, मैनेज जो आपके प्रिवलेंस वगैरह होते हैं उसको मैनेज करना चाहिए।
अब इसके लिए सिर्फ एक ही अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपके पास नंबर 1930 आपको ऑलवेज रिमेम्बर होना चाहिए, cyber.gov.in आपको याद होनी चाहिए। अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप फोन कॉल वगैरह से डिमांड वगैरह मीट उसकी पूरी मत करो। जो सस्पिशियस कॉल वगैरह आपको मिल रही है गवर्नमेंट एजेंसी के लिए, उसको वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो कि आपको ऑफिशियल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उनसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट करो, जिससे क्या आपको जो पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो अननोन कॉलर की, उस पर आपको रिस्पॉन्ड करने की, जो भी आपको पेमेंट वगैरह के उसके लिए आपको सच्चाई पता चले। ठीक है, ये हमारा पूरा डिजिटल अरेस्ट है आज के लिए। इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यहाँ तक आपने देखी। एंड प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड शेयर विद योर फ्रेंड टू, बिकॉज डिजिटल अरेस्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।